देखिए बच्चों ध्यान से, 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। ये भाग क्या है तो भाग हमको निकालना है। अब देखिए माना कि भाग बराबर x, इसका व्युत्क्रमों का योग करा 1/12, तो इसका कितना व्युत्क्रम दोनों का हो जाएगा? इसका हो जाएगा व्युत्क्रम क्रम, देखिए भागों का व्युत्क्रम बराबर 1/x। अब इसका दो भाग में बांटे करा है, अब ये भाग कितना हो जाएगा? 50 - x हो जाएगा। 50 को दो भागों में एगो के x माने, एगो 50 - 1 दूसरा भाग बराबर 50 - x। इस तरह बांटना है दो के कि 50 - x है, वो के x माने तो दूसरा 50 - x, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 1/50 - x हो जाएगा। ठीक है, 50 - x हो गया। अब दोनों का व्युत्क्रमों का योग 1/12 है, दोनों का जोड़ देंगे। अब देखिए योग के मतलब जोड़, दोनों का जोड़ रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए, दूसरा भाग 50 - x व्युत्क्रम 1/50 - x हो गया, दोनों का योग जोड़ रहा है। देखिए दोनों का जोड़ रहा है, कभी कैसे भी जो है 1/x प्लस 1/50 - x, दोनों का कितना है योग? 1/12, तो यहाँ 1/12 कर देंगे। अब इस तरह से हल कर दीजिए, ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो एगो x हो जाएगा इंटू 50 - x लघुत्तम हो गया। देखिए अब इस तरह से भागा देते हैं, अब बाकी ऊपर का से गुना करते हैं, तो इसे भागा दिए यहाँ से एक्स में, ही पूरा में तो खत्म हो गया, ये बच गया, इससे गुना हो जाएगा, वन से तेरह लिखा जाएगा 50 - x का। अब इसी तरह खत्म हो जाएगा, भागा कट जाएगा तो बचेगा कितना? x, तो एक्स से गुना वन में, तो x हो जाएगा। कर ध्यान दीजिए, अब 1/12 जो कहते हो रह गया यहाँ पर, यहाँ अब देखिए यहाँ कट गया, ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर में कितना हो जाएगा? कट गया, कैंसिल हो गया x x, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ गुना, तो यहाँ तो इतना हो जाएगा, तो x गुना 50 - x हो गया बराबर 50 - 12 हो जाएगा। अब देखिए 50x - x² बराबर, यहाँ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 - 5 = 60, 600 हो जाएगा। अब देखिए इस साइड है तो इस साइड कर देंगे, 600 इधर आ गया। अब देखिए यहाँ 600
द्विघात समीकरण पर निकाल देंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, अभी माइनस हो जाएगा 600 यहाँ। अब देखिए यहाँ प्लस है 50x इक्वल टू, इधर ना कुछ है 0, इधर कर दिए, इस साइड कर दिए। अब देखिए इधर प्लस करने के लिए ध्यान दीजिए, अब प्लस करने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 600, 50x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लड़ देते हैं द्विघात में, देखिए यहाँ माइनस 50x हो जाएगा, जो प्लस आई माइनस है तो प्लस हो गया, 600 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण देखिए, अभी माइनस खत्म हो गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600, तो पहला गुना तीसरा अजोड़ घटा के दूसरा होता है। अब देखिए 600 के इस तरह से गुणनखंड विधि से निकालेंगे, पहला गुना तीसरा ऐसा टूटेंगे कि 50 में दो भाग से छः हो जाएगा। तो देखिए इस साइड से इधर ध्यान दीजिए, 600 के खंडन कर रहे हैं, 600 के खंडन कर रहे हैं, दो से कितना हो जाएगा 300, दो से कितना हो जाएगा 150, दो से 75 दूनी 150, फिर कितना से 5 से, तो अभी कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, फिर 5 से 5 × 3 = 15, इस तरह से हो गया, दो भागों में तोड़िए, ठीक देखिए कि कितना हो जाएगा, दो दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 5 × 6 = 30, 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40, 30, 20, 50 हो जाएगा। हाँ देखिए पंद्रह दूनी 30, 2 × 4 = 25, 20 कर दीजिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 0, देखिए एक्स कॉमन कर लिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से एक्स कॉमन कर लिए यहाँ, एक्स माइनस 2 भाग में यहाँ पर तोड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 20x, ध्यान दीजिए। अब देखिए प्लस 600 बराबर 0, अब इस तरह से गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x, 30, 20, 50 हो गया, यहाँ खंडन हो गया, अब एक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ एक्स माइनस 30, यहाँ 20 कॉमन करेंगे, दोनों में 20 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस, कॉमन का मतलब भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 600 में 20 से भागा दे रहे हैं, 600 में 20 से भागा द्वितीय 6, 30 हो जाएगा, द्वितीय 60 सुना बैठ जाएगा। भागा देंगे 600 से, इस तरह से इस काट दीजिए, तो
सुना से एक सुना करता हूँ, द्वितीय 30 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए दो को कॉमन में एगो हो जाता है, इसको लड़कन में एक्स माइनस 30 को लिखा जाता है, एगो यहाँ यहाँ वाला था एक्स माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। एक्स का हमको मान निकालना है, माना है भाग कितना एक्स, वही एक्स का मान निकालना है। अब देखिए एक्स माइनस 30 बराबर 0 का एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में 30 हट जाके 30 एगो हो जाएगा, एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक्स बराबर ऊपर जाएगा 20, ई वैल्यू ई हो गया एगो आंसर, एक आंसर 30 हो गया 20 30, इसका भाग 20 और 30 ये आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर दोहराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है, ये भाग क्या है। देखिए हल करने जा रहा है, देखिए एक बार फिर दोहरा रहा है, माना कि भाग कितना एक्स, माना कि भाग एक्स, व्युत्क्रम इसका कितना हो जाएगा 1/x का, व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है तो व्युत्क्रम सबको मान लेंगे तो 1/x उल्टा हो गया, व्युत्क्रम को मतलब उल्टा 1/x। अब देखिए दूसरा भाग कितना है, 50 के दो भागों में बांटा गया है तो 50 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 50 माइनस एक्स तो बराबर इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/50 माइनस एक्स, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से आप दोनों का योग कराए, दोनों का जोड़ देंगे, अब दोनों के यहाँ भिन्न के जोड़ कर देंगे, योग का मतलब जोड़ते, एगो मान्य थे एक्स तो उसका व्युत्क्रम 1/x, तो 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स थे भिन्न के जोड़ कर दिए, ठीक है। अब दोनों का योग कितना दिया हुआ प्रश्न से 1/12, तो यहाँ 1/12 लिख दिए, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए, अब हल कर रहे हैं तो इसका एक्स और 50 माइनस एक्स का लघुत्तम हो जाएगा, तो दोनों नहीं तो आपस में गुने में छोड़ देते हैं, दोनों नहीं कटता है तब, तो एक्स गुना 50 माइनस एक्स गुने में छोड़ दिए, उसी तरह प्रक्रिया भिन्न के जोड़ किस जिस तरह से करते हैं, एक्स से इस तरह से भागा देते हैं पूरा से, तो यहाँ पर एक्स है एक्स से ही पूरा में भागा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा बच जाएगा, तो उसी तरह एक गुना हो गया 50 माइनस एक्स यहाँ लिख दिए फिर प्लस, उसी तरह से यहाँ भागा देंगे ये पूरा में तो 50 माइनस एक्स ख़त्म हो जाएगा बचेगा खाली एक्स, एक्स से गुना ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पर वन है तो वन से गुना किए तो खाली एक्स लिखा, इसलिए प्लस यहाँ कोई अंक के कौन सा चिन्ह होता है 62 होता है, तो ये प्लस एक्स है आई माइनस एक्स है तो प्लस माइनस ख़त्म हो गया 50 बच गया। तो अब यह इस तरह से यहाँ तिरछा गुना कर देते हैं, यहाँ वन है तो देखिए इस तरह से यहाँ से गुना यहाँ तो ये तिरछा वन से गुना करेंगे तो इतना लिख दिए यहाँ पर, फिर देखिए उस तरह से यहाँ कितना बचा था 50, तो ये 50 गुना 12 हो जाएगा, यहाँ 50 गुना 12 यहाँ कर दिए तब 12 25 60 एक सुना बढ़ गया 600 हो गया। अब देखिए इस तरह से 50 अब इस तरह से गुना 50 में से एक्स तो 50x फिर एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया 600 हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x गुना 50 माइनस एक्स यहाँ पर तिरछा गुना यहाँ देखिए 12 गुना 50 कर दिए यहाँ 50x यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर 600 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई बराबर इक्वल टू 600। अब देखिए ई साइड कर देंगे इसका द्विघात में है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस छ ई पर प्लस में तो ई साइड आके माइनस में हो गया
तो माइनस 600, फिर प्लस यहाँ पर प्लस है छिपा हुआ इधर, तो यहाँ प्लस 50x बराबर इधर से इधर आ गया, तो इधर ना कुछ है तो जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए अब माइनस था तो माइनस कॉमन कर लीजिए, प्लस लाने के लिए माइनस कॉमन कर लिए, तो यहाँ जो माइनस कॉमन का मतलब होता है भागा जो माइनस है जो प्लस हो जाएगा, प्लस है जो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया आई माइनस हो जाएगा ये 50x जो है जो। अब देखिए यहाँ पर 50x ये एक्स स्क्वायर रह गया, आई माइनस प्लस है यहाँ पर तो माइनस 50x हो गया, आई माइनस था तो यहाँ पर 600 हो गया, प्लस में हो गया इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह गया माइनस 50x प्लस 600 रह गया इक्वल टू जीरो हो गया। अब दुहा समीकरण में एक्स स्क्वायर अभी पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 600 में, 600 एक्स स्क्वायर, अभी ऐसा भाग 600 का तोड़ेंगे कि हमको 50 गुणनखंड करके आ जाएगा, तो 600 का लघुत्तम निकाल देंगे। आसान तरीका है, यहाँ पर निकाल दिया है, देखिए 600 का लघुत्तम 2 से तो 300, 300 फिर 2 से काटें, 2 से तो 150, फिर 2 से 5 से तो 75, फिर 5 से तो 15 इस तरह से। अभी दो भागों में किस तरह से किया देखिए, 15 दूनी 5 15, 15 दूनी 30, उसी तरह 2 दूनी 4, 4 5 20, 30 20 50 होता है। अब यहाँ 30 20 तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 हो गया इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600, अब उसी तरह से यहाँ पर यहाँ आइए इधर देखिए, अब एक्स कॉमन कर लिए यहाँ पर, देखिए एक्स कॉमन कर लेंगे तो दो गो है एक्स स्क्वायर तो कॉमन कर लिए तो हो गया एक्स, एक्स एगो में बच गया तो एक्स माइनस यहाँ 30, फिर उसी तरह एक्स कॉमन किए तो यहाँ पर दो गो है तो एगो रह गया, फिर एक्स कॉमन किए इसमें से तो खाली 30 हो गया, तो एक्स माइनस 30 यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर। फिर उसी तरह अभी दोनों को बचा उसमें कॉमन करेंगे इन दोनों में यहाँ से यहाँ में, तो इसमें कितना कॉमन है इधर इधर एक्स नहीं है, एक्स कॉमन नहीं करेंगे तो आंसर कर लेंगे 20 यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, 20 से यहाँ भागा देखिए माइनस 20 यहाँ पर कॉमन कर लिए तो 20 कॉमन हो गया, उसी तरह एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 30 हो गया दोनों में इस तरह से घेरा में दोनों एक साइड आए, एगो यहाँ लिखाएगा एगो इस तरह से, यहाँ एक्स माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पर लिखा गया इक्वल टू जीरो। अब हमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स माइनस 30 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 20 दोनों के अलग अलग कर देंगे तो एक्स माइनस 30 बराबर जीरो, एक्स माइनस 20 बराबर जीरो, यहाँ दोनों के अलग अलग कर देंगे पहले इसका और बाद इसका, तो एक्स माइनस 30 बराबर जीरो तो एक्स बराबर इधर माइनस में तो इस साइड आके प्लस में हो जाता है तो 30 हो गया। फिर उसी तरह एक्स माइनस 20 फिर उसी तरह कर देंगे इक्वल टू जीरो, अब यहाँ x बराबर इधर माइनस में तो इस साइड आकर प्लस में हो गया तो प्लस 20, ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ देखिए 20 और 30, 20 30 आंसर हो गया, यही यहाँ पर इतना आंसर हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक भाग पूछ रहा था कि ऊपर क्वेश्चन देखिए, 50 को दो ऐसे भागों में विभक्त बांटा जाता है कि इन भागों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, का योग, योग कितना दिया हुआ है 1/12, तो 1/12 बराबर कर दिए फिर हल कर दिए, इस तरह से व्युत्क्रम 1/x हो गया, इस तरह से अपना इधर 50 को 60, 50 के जगह पर 60 कर सकता है, 30 करेगा, नियम उसी तरह होगा, सब इनके जोड़ कर देंगे उसी तरह से, एक्स का निकल गया इस तरह से, 50 के 30 के कहेगा तो इस तरह से निकालते जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।